हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है संडे, यानी कि संडे की मॉर्निंग, और मैं जा रहा हूं साउथ मुंबई, यानी कि मरीन ड्राइव। और एक्चुअली अकेले ही हूं, तो मैं और मेरा फ्रेंड दीपक, हम दोनों लोग बोले कि चलो घूम के आते हैं। कुछ पर्सनल काम भी है वैसा और नियर बाई, बट सोचे कि चलो जाके आते हैं इवनिंग तक। थोड़ा भी क्या करना है, अभी कोई है नहीं घर पे, तो मीन्स अभी थोड़ा टाइम है, तो जाके आते हैं, घूम के आते हैं। बहुत दिन हो गया उधर गए। सो आपको मिलते हैं साउथ मुंबई डायरेक्टली। अभी मुझे यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग एक घंटे के करीब लगेगा यहाँ पहुँचने में, क्योंकि संडे है तो ज़्यादा ट्रैफिक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा टाइम तो लगता ही है जाने में। सो मिलते हैं आपको साउथ मुंबई में। एज यूजुअल, जैसे मैं टाइम से पहले थोड़ा पहुँच जाता हूँ, मेरी पहले से आदत है कि मैं थोड़ा टाइम से पहुंच जाता हूँ। दीपक अभी भी नहीं आया है, मेरे को 9:30 बुला के अभी तक आया नहीं है। अभी भाई का ब्रेकफास्ट हो रहा है, सो मैं वेट करता हूँ बाहर, फिर निकलते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं कि मैं मरीन ड्राइव पे पहुंच चुका हूं। ऑलमोस्ट एक ही सिग्नल बस एयर इंडिया बिल्डिंग के पास में ही हूं। अभी मैं इधर से लेफ्ट अगर लूंगा तो मरीन ड्राइव जा सकता हूं, और राइट लूंगा तो फिर यू टर्न मार के आना पड़ेगा। सो आगे जाता हूं क्योंकि सिग्नल अभी रेड है, और लेफ्ट मार के वहां पे गाड़ी पार्क करके हम लोग बैठते हैं और फिर आपसे मिलते हैं आगे। सो फाइनली अभी हम लोग आ गए मरीन ड्राइव और बैठे हुए हैं। बहुत कड़क धूप है, 12:47 हो रहा है, मतलब 1:15 बज रहा है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे एक हो गई कि अगर आपने मास्क उतारा ना, तो दूर से आपका वीडियो बना के ना 200 रुपये का फाइन लगेगा। अभी मेरे साथ ही कुछ ऐसा हुआ, लेकिन बच गए। किसी का नाम वाम ले लिए, कोई फ्रेंड इधर काम करता है पुलिस में, तो बच गए। अदरवाइज़ 200 रुपये आते ही इधर फाइन मारता था। सो हम लोगों ने गाड़ी उधर अपना पार्क कर दिया 70 रुपीज़ पार्किंग में, और यहाँ पर बैठ गए। देखते हैं कितनी देर बैठते हैं और थोड़ा हवा हवा लेते हैं, फिर कोई और लोकेशन पे जाएंगे हम लोग। भाई साहब, इतना मुश्किल है यहाँ पे ब्लॉगिंग करना कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ ब्लॉगिंग करने का, लेकिन मैं मास्क जो है बिल्कुल भी नीचे नहीं रख सकता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो, क्लीन अप करके जो बीएमसी के लोग होते हैं वो बराबर जो है वेट कर रहे हैं कि ये कब मास्क निकाले और कब मैं 200 रुपये का फ़ाइन मारूँ। लेकिन मैं नई फ़ाइन कटवाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं मास्क पहन के ही ब्लॉगिंग करूँगा। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी, और आ रही होगी तो अच्छी बात है, नहीं आ रही होगी तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्योंकि मैं मास्क निकाल नहीं सकता हूँ और मैं फ़ोन से ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, सो इसके लिए मैं थोड़ा लाउड भी बोल रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। और देखो हमारे कैमरे से मुंबई मरीन ड्राइव का नज़ारा, ये देखिए मस्त व्यू है। पीछे देखिए एयर इंडिया की बिल्डिंग है, एयर इंडिया की बिल्डिंग है, उसके बगल में ट्राइडेंट ओबरॉय, ये सारा कुछ है यहाँ पे। We'll be right back.
साउथ मुंबई में आने का ना सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि पार्किंग नहीं मिलती है यार। किधर भी आप जाओ ना, इतना इतनी देर से मैं पार्किंग के लिए परेशान हो रहा हूँ, और जहाँ पार्किंग मिल भी रही है वहाँ 200-200 रुपये चार्ज है। 200 रुपये चार्ज दे के मतलब पार्किंग गाड़ी लगाना। तो अभी हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि सामने वो कोलाबा मार्केट में कैलाश पर्वत रेस्टोरेंट है, सो वहाँ से कुछ लेते हैं और गाड़ी में ही बैठ के वापस मरीन ड्राइव जाते हैं और गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं। क्योंकि 200 रुपये पार्किंग देना, वो 70 रुपये ऑलरेडी एक मरीन ड्राइव में दे चुका हूँ, और 200 रुपये यहाँ पर पार्किंग देना इज़ नॉट फीजिबल। सो वी डिसाइडेड कि हम यहाँ से पैक करा के खाना लेते हैं और गाड़ी में बैठ के खा लेंगे, उसके बाद वहाँ थोड़ा चिल मारेंगे, चाय पियेंगे और वापस निकल जाएंगे। सामने जो एक कैलाश पर्वत होटल दिख रहा है, वो होटल में ही दीपक गया है कुछ पार्सल लेके आने, और उसके बाद वो पार्सल लेके हम लोग जाएंगे किधर खाएंगे, क्योंकि पार्किंग नहीं मिल रहा है यार। संडे को भी पार्किंग नहीं मिल रहा है, पे एंड पार्क में इतना पैसा मांग रहे हैं कि मेरा मन नहीं हो रहा है उधर लगाने का। हम वापस से आ गए हैं मरीन ड्राइव। जैसा मैंने अभी आपको बोला था, पार्किंग नहीं मिल रही है, और इधर हम खाने का जुगाड़ करके लाए पूरा पार्सल, और बिरयानी कैलाश पर्वत से, बिरयानी पराठा, वेज बिरयानी। नॉन वेज बिरयानी नहीं भाई, ब्राह्मण की गाड़ी में नॉन वेज अलाउड नहीं है। हम लोग वेज बिरयानी खा रहे हैं, ऑलमोस्ट 3:15 बज गया है, खा के 4 बजे हम लोग निकल जाएंगे और आपको मिलते हैं सीधे घर पे। चैन से खा लेते हैं फिर बात करते हैं। घर पे आ गया हूँ, और एक्चुअली बहुत टायरिंग रहा दिन। वहाँ घूमे फिरे, खाना वाना खाया सब, बीच पे बोल रहा हूँ, मरीन ड्राइव पे अच्छा टाइम स्पेंड किए। अनफॉर्चुनेटली कहीं पे पार्किंग नहीं मिला, सो पार्किंग नहीं मिलने की वजह से जो है मैं कोलाबा का जो होटल ताज वाला या जो वाला एरिया है वो नहीं देख पाया, मतलब वहाँ पे जा नहीं पाया क्योंकि पार्किंग नहीं मिला। पार्किंग एक जगह था वो रीगल सर्कल के पास, बट बहुत ज़्यादा वहाँ पे फुल थी पार्किंग। सो हम वापस गए वहाँ पे मरीन ड्राइव, वहीं पे लंच वंच करके और खाना खा के, और मैं अभी घर आया हूँ। बहुत ही हेक्टिक ड्राइविंग रही क्योंकि फुल ऑन ट्रैफिक था। सो मैं जस्ट ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अभी जस्ट मैं चाय बनाया हूँ और चाय खुद बना के और अब पीने जा रहा हूँ। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा, और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।